तो हम लोग देखते हैं सिलेंडर क्या होता है। तो सिंपली एक सिलेंडर क्या होगा, ए सॉलिड सिलेंडर हैविंग टू क्रॉस सेक्शन एंड अ कर्व सरफेस। मतलब कि आपका सिंपल एक सिलेंडर जो होगा उसके पास क्या होंगे, दो क्रॉस सेक्शन होंगे। जैसे इस फिगर में देखिए, एक ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके क्या है, ये दोनों पार्ट आपके सिंपली क्या है, क्रॉस सेक्शन है, एक सर्कल का पार्ट है। ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके क्रॉस सेक्शन है। अगर ये मिडिल पार्ट को देखिए, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट आपका कर्व पार्ट है। अगर इस पार्ट को देखिए तो ये पार्ट कहलाता है, ये पार्ट आपका कर्व पार्ट है। सिमिलरली इस फिगर को भी देखिए, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट ये क्या है, इसके क्रॉस सेक्शन है। और मिडिल पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं, ये पार्ट क्या होगा इसका, ये इसका होगा कर्व फिगर, कर्व सरफेस। तो ऐसे फिगर जिसमें दो कर्व सर, दो सर्कुलर जिसमें दो क्रॉस सेक्शन और एक कर्व सरफेस होगा, उसे हम कहेंगे क्या है, वो फिगर क्या है, वो फिगर एक सिलेंडर है। अब बात करिए सिलेंडर की, तो वहां पे हम लोग देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव टू प्लेन ईच बीइंग सर्कुलर इन शेप। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, जिसके पास दो प्लेन होंगे, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, जिसके पास दो प्लेन एंड्स होंगे, सॉरी दो प्लेन एंड्स होंगे, ईच बीइंग सर्कुलर, एक ये हो गया ये, इसी दोनों को क्या कहेंगे, ये हमारे जो हमारा सिलेंडर होगा ये इसका क्या होगा, ये इसका बेस होगा। एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया। अब आगे देखिए, एंड द एक्सिस जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बेसिस, ये हमारा इसका ये पहले बेस का हमारा सेंटर क्या हो गया, ओ डैश, और दूसरे बेस का जो सेंटर है वो हो गया। उनसे जो एक लाइन पास करेगी वो क्या होगी, इन दोनों बेसिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसलिए इस फिगर को क्या कहेंगे, ये फिगर क्या होगा हमारा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपके पास ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, ये दोनों हमारे क्रॉस सेक्शन है। अगर इस पार्ट की बात करें, मिडिल पार्ट ये है क्या, ये हमारा कर्व सरफेस है। तो सिंपली ये एक सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में कहता सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है, क्योंकि इनके जो एक्सिस है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला बेस है, इन दोनों के जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है वो क्या है, वो इन दोनों के बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पे देखिए, ये यहां पे भी क्या 90 डिग्री बना रहा है और यहां पे भी 90 डिग्री बना रहा है। इसलिए ये जो कोण, ये आपका सिलेंडर होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सिलेंडर आपका क्या होगा, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। ये तो हो गया बेसिस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की डिफिनेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर में देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, जहां पे रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, स्मॉल आर है। मतलब कि ओ डैश से लेके बी डैश की डिस्टेंस, या फिर ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, वो क्या हमारा स्मॉल आर है। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, वो एच है। मतलब बी से बी डैश की दूरी या फिर ए डैश से ए की दूरी, वो क्या हमारी हाइट है। अब बात कर रहे हैं हम लोग राइट कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब देखिए, अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो वो कुछ ऐसे होगा, यही है हमारा सिलेंडर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे कट करते हैं। तो कट करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमारे पास, जो सिलेंडर होगा वो कुछ ऐसे होगा इस फॉर्म में। हमें क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को फाइंड करना है। अगर हम अपने ये जो हमारे पास में फिगर है इसकी बात करें, तो इसमें हमें वही, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्व सरफेस है इसी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे ब्रेक करके देखते हैं ये कौन सा फिगर बने। जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन होके ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा
एक टिफ्ट एंगल की तरह, मतलब कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो सेम बिल्कुल ऐसे होके इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए जो इसकी हाइट थी, यही हाइट स्मॉलेस्ट थी, वो ये जो रिक्टेंगल बनेगा ए बी, इसे नाम देते हैं सी डी, तो इस रिक्टेंगल का हाइट, सॉरी इस रिक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा वो इस, ये जो आपका सिलेंडर था उसकी हाइट होगी। अब बात करेंगे इसकी लेंथ की, ये ए बी या डी सी, ये क्या होगा, तो अब हम लोग फिगर से देखें तो ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है। अगर लेंथ में बात करेंगे, इसी को खोल के हम लोगों ने क्या किया, इसे लेंथ में कन्वर्ट किया है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट पूरा, ये क्या है, ये इस पार्ट के बराबर है, तो यहां पे हम कहेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगल के लेंथ की, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है, टू पाई आर। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें रेक्टेंगल का लेंथ पता चल गया, लेंथ कितना आ गया 2 पाई आर, ब्रेथ कितना आ गया h। अब देखिए, अब यही एरिया जो था ये ओपन होके ये पूरा एरिया हो गया, अगर इस एरिया को हम निकाल लें तो हमारा वही किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितना है 2 पाई आर, ब्रेथ कितना है एच, तो यहां से कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच यूनिट। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर था उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 पाई आर एच। अब बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसे क्या करना है, हमें पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉप पोर्शन को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। अब तो ये अपर पोर्शन है, ये भी क्या होगा, ये भी सॉलिड होगा, मतलब हमें इस वाले पूरा पोर्शन को क्या करना होगा, कवर करना होगा, और इस वाले पूरे पोर्शन को भी क्या करना होगा, कलर करना होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, होगा वो कर्व सर्फेस एरिया प्लस, एक तो हमने कर्व सर्फेस एरिया कर दिया, अब हमारे पास दो एरिया बचा, एक टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन, दोनों क्या है, दोनों के दोनों सर्किल है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए कर्व सर्फेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया था 2 पाई आर एच। अब कर्व सर्फेस एरिया तो ये हमने कलर कर लिया, अब हमें क्या कलर करना है, इसका ये वाला पार्ट और साथ साथ इसका ये बॉटम वाला पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट का अगर हम एरिया देखें तो ये आपको एक रिक्ट, ये आपको एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां पे सब ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या एच प्लस आर यूनिट। तो आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर इन ब्रेकेट आर प्लस एच यूनिट, ये हो गया। अब बात करेंगे वॉल्यूम की,
वॉल्यूम क्या होगा आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर का। वॉल्यूम का मतलब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड फिगर इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। तो यहां पे सिंपल समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक सर्कल हम लेते हैं, एक कॉइन लेते हैं। अब उसी कॉइन के ऊपर क्या करते हैं, हम ऐसे बहुत सारे कॉइन रखते जाते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो एक सिलेंडर के शेप का पोर्शन मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग इसका रेडियस r था और इसकी हाइट जो थी वो क्या थी, h थी, ये कुछ ऐसे बनेगा। सबके रेडियस क्या है, सेम होंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा, इसका रेडियस r होगा और ये हाइट क्या होगी, h होगी। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका होगा एरिया ऑफ बेस इंटू, अगर हम लोग बेस देखें तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना है, आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगी, एच। तो यहां से वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यूनिट। तो ये आपका हो गया आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम। अब लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सिंपली आपका सिलेंडर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड क्रॉस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अब बात करें उसके हाइट की, हाइट कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। हमें पहले निकालना है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, 2 पाई आर एच 2, यहाँ पे पाई के यहाँ पे हम लोग कितना यूज करेंगे, 22/7, या फिर कहीं कहीं पे हम लोग 3.14 भी पाई की जगह पे यूज करेंगे। यहाँ पे पाई के हम लोग 22/7 रख देते हैं, इंटू आर हमारा कितना है 14, एच कितना है 30, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2। अब 22 2 जा 44 2 जा 88 इंटू 30, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आपकी यूनिट जो आई है सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जब मैं आपको सिलेंडर या होलो सिलेंडर के बारे में बता रहा था, जब मैं कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया लिखता था, वहां पर सिर्फ यूनिट लिखता था, वो इसलिए लिखता कि यूनिट आपकी कुछ भी आ सकती है, जैसे आपका दिया हो, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में आपका यूनिट क्यूब में आएगा, लेंथ में बात करेंगे तो लेंथ में सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेंटीमीटर या मीटर या जिसमें भी होगा उसमें आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया कैसे, अगर हम अपना फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या था, 2πRh, 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, पाई भी आपका क्या है एक नंबर है। अब आर और एच के बारे में बात करें, आर आपका क्या है, आर आपका 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट 30 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई हो गए एक नंबर में आएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने एलजेब्रा में किया होगा, ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ए स्क्वायर, ऐसे यूनिट भी आपको मल्टीप्लाई क्या हो जाती है स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड सॉरी इसी का आगे देखते हैं, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम पोर्शन, मतलब कि आपका 2πRh प्लस 2πR2 सॉरी कैपिटल R2। अब देखिए ये वैल्यू में निकाल लीजिए कितनी आई है, 2640 प्लस 2 × 22/7 इंटू 14 × 14, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसे क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, 2 आ गया, ये हो जाएगा 2640 प्लस 88 × 14, 2640 प्लस 88 × 14 करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा,
इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 1232। अब क्या करिए, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना जाएगा 2783 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज आपको वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 30। अब क्या करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए 2, ये कितना हो जाएगा 44, 22 × 44 मल्टीप्लाइड बाई 420। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 18480 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारा ये वॉल्यूम आएगा कितना 18480 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलैंडरिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड 924 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब कि हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया है 924 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमसे हाइट पूछ रहा है, रेडियस के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा 2πRh, जो किसके बराबर है 264 के। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, जो किसके बराबर है 924 के। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन ओ से टू को डिवाइड कर देते, टू को वन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2πRh अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू 264 अपॉन 924। अब देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 से अगर इसे कैंसिल करें तो 132 ये कैंसिल हो गया। अब इससे देखिए ये क्या, ये कैंसिल होगा 72, हाँ 7। यहां से 1/r इक्वल टू कितना आ गया 1/7, मींस r इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें r की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसी r की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख के हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम आर की वैल्यू अगर पुट करते हैं 2πR मतलब हो गया आपका 7, एच कितना हो गया, एच हमें निकालना है, और ये 264 के बराबर हो गया। ये कुछ कैंसिल हो रहा है, इसे पाई को भी सिंपल लिखिए 22/7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 264। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और फिर देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, 22 से 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 से कैंसिल करिए, 2 से देखिए कैंसिल होगा, 2 से पहले करते 2 × 2 इतना हो गया, और फिर ये 22 से कैंसिल करिए 6 टाइम्स जाएगा, तो यहां h की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इन रेशियो, मतलब कि आपका जो रेडियस और हाइट है इसका रेशियो हमें गिवन है कितना 5:7। उसके बाद हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट रेडियस इज इक्वल टू
फाइव एक्स एंड हाइट इट इक्वल टू सेवन एक्स। अगर अब इन दोनों का रेशियो निकाले तो फाइव इज टू सेवन आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम हमें पता है 550, अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आई स्क्वायर एच इक्वल टू 550। पाई मीन्स 22 बाई 7 इंटू आई स्क्वायर मीन्स 5x का स्क्वायर इंटू 7x इक्वल टू 550। यहां से हो जाएगा 22 बाई 7 इंटू 25x स्क्वायर इंटू 7x इक्वल टू 550। अब देखिए एक 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 25 से इसे कैंसिल करिए कितना हो जाएगा 22 टाइम्स ये आएगा 22 टाइम्स आएगा 25 टू जा 50 होता है तो 25 20 जा कितना 500 हो जाएगा और 250 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए क्या बचा x क्यूब इक्वल टू क्या आया 1 मतलब कि x बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई अब इसी x की वैल्यू को ले जाकर हम लोग क्या करेंगे रेडियस में रख देंगे तो रेडियस आपका कितना था 5x था x की जगह पे कितना रख देंगे 1 रख देंगे तो रेडियस आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली क्या था आपको कुछ नहीं करना था इसमें बस आपको ये ज़ूम एक रेशियो ज़ूम कर लेना था उसके बाद क्या करना था वही वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू ले जाके रेडियस में रख देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 10 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ ए बिल्डिंग आर क्लीन इफ ईच पिलर इज ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर देन फाइंड एक्सपेंडेंस एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर फॉर क्लीनिंग पिलर। मतलब क्वेश्चन का क्या होगा कि आपके पास 10 पिलर हैं जिनको क्लीन करना है पिलर के डायमेंशन पता है मतलब कि उसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है उस पिलर का डायमीटर और हाइट कितना होगा और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्लीन करते हैं तो 50 पैसे लगते हैं। देखिए हमें डायमीटर पता है डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो डायमीटर पहले देखते होता क्या है ऐसे ही हमारा कुछ पिलर होगा ये हमारा पिलर होगा तो ये पूरा जो होता है ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी डायमीटर इसका हाफ क्या कहलाता है हमारा रेडियस कहलाता है। तो यहां से अगर हम रेडियस लिखना चाहें तो हमें पता है डी बराबर 2r अगर r की r को लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा d बाई 2 मतलब कि 50 बाई 2 ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर मतलब रेडियस हमें पता चल गया कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है हाइट कितना है 4 मीटर। यहां पे देखिए यहां पे क्या है जो दोनों डायमेंशन है उनकी यूनिट सेम नहीं है हम क्या करेंगे यूनिट को सेम करेंगे। यूनिट को सेम करने के लिए हमें क्या पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा ये इधर आ जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा ये आपका मीटर में है वन सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया 1 मीटर में। हाँ हम लोग क्या करते हैं ये जो हमारा रेडियस है ये कितना है 25 सेंटीमीटर में है और अगर आप लोग रेट की बात करें रेट में देखिए मीटर में हम लोग क्या करेंगे सबको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1/100 इंटू 25 मीटर ये कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा 4 यहां से आएगा 1/4 मतलब आपका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना आ गया 1/4 मीटर और हाइट कितना है 4 मीटर। अब बात हो रही है क्लीन करने की तो क्लीन करना होगा अगर हमें मानिए यही एक पिलर है एक पिलर क्लीन करना होगा तो हम क्या करेंगे उसका ये वाला पार्ट क्लीन करेंगे और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम उसका
कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकाले, फिर क्या करें 10 पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दें, फिर क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कितने मीटर स्क्वायर आया है, फिर क्या करेंगे वहां पे मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना अमाउंट लगेगा। सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर मतलब 4 सॉरी आर मीन्स 1/4 और एच मीन्स 4 से 4 कैंसिल 2 पाई की वैल्यू कितनी होती 3.14 2 × 3.14 ये कितना आएगा 6.28 मीटर स्क्वायर। मतलब एक पिलर का जो एरिया आ रहा है जो जितना क्लीन करना है वो कितना है 6.28 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए 10 पिलर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 पिलर ये कितना हो जाएगा 6.28 × 10 मीन 62.8 मीटर स्क्वायर। अब हमें कितना एरिया क्लीन करना है 62.8 मीटर स्क्वायर ये एरिया हमें क्लीन करना है। और हमें क्या पता है हमें पता है कि एक मीटर स्क्वायर को क्लीन करने में कितने रुपए लगते हैं 50 पैसे। अब अगर एक मीटर स्क्वायर को क्लीन करने में 50 पैसे लगते हैं तो 62.8 मीटर को अगर क्लीन करना होगा तो कितने रुपए लगेंगे 62.8 × 50 ये आएगा पैसे में। तो हम लोग क्या करेंगे अगर इसे 100 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा अमाउंट आएगा वो किसमें आ जाएगा वो आएगा हमारा रुपए में। ये यहां से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 2 से इसे कैंसिल करेंगे ये आएगा 31.4। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 31.4 रुपीज आएंगे 10 पिलर्स को क्या करने के लिए कलर करने के लिए।